वेलकम बैक टू चैनल मनीष शर्मा लिया व्लॉग। आज मैं आपको लेके आया हूँ गणेश उत्सव दिखाने, जो कि इस बार लगा है पीतमपुरा में। ये 19 तारीख से लेकर 28 सितंबर तक लगाया जाएगा पीतमपुरा में, तो नियर मेट्रो स्टेशन, नियर पैसिफिक मॉल। तो मैं आपको पूरा विजिट कराऊंगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें। देखिए 19 तारीख से ये मेला स्टार्ट हुआ है, 19, 20, 21, 22 और आज जो 23 तारीख होगी ये 23 हो गई है। तो यहाँ पर आज भजन कीर्तन जी हैं, ठाकुर देव की नंदन जी महाराज जी आज यहाँ पर आएंगे। और देखिए कल भी 6:30 बजे इनका प्रोग्राम है, अनुरुद्ध आचार्य जी का प्रोग्राम है। और 25 तारीख को फिर दोबारा भजन होगा यहाँ पे त्रिलोक दास महाराज जी का। और देखिए 26 तारीख को गणपति महोत्सव का नाट्य मंचम यहाँ पर होगा। और 27 तारीख को यहाँ पर जो होगा कवि सम्मेलन, 28 तारीख को बॉलीवुड के रंगारंग प्रोग्राम होंगे। और देखिए यहाँ पर झांकियाँ लगी हुई हैं बहुत सारी। मेरा देखिए आप, ये मेन रोड है, मेन रोड से इधर की तरफ ये सामने पड़ेगा, एंट्री मैंने आपको दिखा दी है गाइस। अब देखते हैं, मिलते हैं सीधा मेले के अंदर, बने रहिएगा चैनल में एंड तक। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक करें, शेयर करो। सितंबर से ये चालू हुआ है, 28 सितंबर तक रहेगा, शाम को 5 बजे स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो झूले वगैरह हैं यहाँ पे वो 2 अक्टूबर तक रहेंगे। आप देखिए बाहर का व्यू कुछ आपको इस टाइप का दिखेगा, यहाँ से इनकी एंट्री है और एग्जिट भी यहीं से ही है, आप आ सकते हैं। यहाँ से एंट्री करते हैं, यहाँ पर मसाला टी का एक स्टेशन है, यहाँ पर आपको मसाला टी मिल जाएगी। देखिए कुल्लड़ में 50 रुपये की है, बनवास के यहाँ पर 50 रुपीज़ का है। आगे यहाँ आपको कोल्ड ड्रिंक का स्टॉल मिल जाएगा, कोनी और पाउडरी का स्टॉल है। थोड़ा और आगे जाएंगे यहाँ आपको सॉफ्टी कोन मिलेगा, देखिए 50 रुपीज़ इस रेट दे रखा है यहाँ पे। इसी के आगे पान का एक छोटा सा कार्ड बना रखा है, बहुत बढ़िया, बहुत सारी वैरायटी पान की देख सकते हैं आप। थोड़ा और जाके चलेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ फ्लावर वास वगैरह रखे हुए हैं, फ्लावर पॉट वगैरह रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं चीनी मिट्टी के बने हुए हैं। और देखिए गाइस देखिए यहाँ पे गौ सेवा के लिए भी है, अगर किसी ने गौ सेवा करनी है तो यहाँ पर आके आप अपने हिस्सा के हिसाब से जो भी है आप इनको दान कर सकते हैं, या यहाँ से देखिए चारा वारा खरीद के आप इनको खिला भी सकते हैं। तो गाइस ये तो बाहर का व्यू था, आप चलते हैं मेले के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर और भी क्या क्या है, तो बने रहेगा चैनल में एंड तक। देखिए गाइस ये मेला है, इधर आपको सारे झूले वूले दिखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ चैलेंज वगैरह भी चलते रहते हैं। देखिए इधर की तरफ जो है आपको यहाँ से मेले के अंदर एंट्री है, जहाँ पे भगवान जी का दरबार सजा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पहले आपको मेला दिखाते हैं, बाद में अंदर जाएंगे। देखिए गाइस यहाँ बच्चों के लिए झूले वगैरह हैं, बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। कितने की टिकट भैया? 100 रुपये की। देखिए गाइस 100 रुपये की टिकट है, यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए है, देख सकते हैं बोटिंग कर सकते हैं। इसके आगे ये बैलून वाला है, यहाँ पर बच्चे इंजॉय करते हैं, ये भी 100 रुपीज़ की टिकट है। इसी के सामने देख लीजिए आप, देखिए यहाँ पे आपको ये ट्रैम्पलिन मिलेगा बच्चों के जंप करने के लिए। गाइस देखिए आज सैटरडे बहुत ही क्राउड है, आज और कल यहाँ पे बहुत क्राउड रहने वाला है। आप देखिए ये बच्चों के झूले यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ पे शूटिंग गन वगैरह है बच्चों के लिए, देखिए बड़ा सा ये लगा हुआ है और स्टॉल बहुत है। गाइस बहुत ही अच्छा क्राउड है, बहुत अच्छी भीड़ यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा क्राउड है यहाँ पर, यहाँ पर आपको देखिए सोफिया कॉर्नर मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा लेकिन झूले चलते रहेंगे। देखिए गाइस देख सकते हैं गाइस ये बच्चों के लिए है, यहाँ पे बच्चों के मिनिमम 100 रुपीज़ हैं, बड़ों के 100 से स्टार्ट हैं और अपना 150 तक जाते हैं यहाँ पे बच्चों के झूले। और गाइस गणेश विसर्जन हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन जो झूले हैं वो 2 अक्टूबर तक रहेंगे, क्योंकि मेला बहुत टाइम बाद लगा है, कम से कम 2 साल बाद लगा है यहाँ पर मेला ये, और काफ़ी बड़ी जगह पर लगा हुआ है, आप आ सकते हैं इंजॉय कर सकते हैं। देखिए गाइस कोलंबस कितना बढ़िया लग रहा है, ये देख सकते हैं गाइस ये झूले देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे भूत बंगला है, आपको भूत बंगले देखने को मिल जाएगा, इसकी टिकट भी 100 रुपये ही है। गाइस आप यहाँ पे आके कैमल राइडिंग भी कर सकते हैं, ये आपको घुमाएगा, देख सकते हैं कैमल राइडिंग, यहाँ पे कैमल खड़ा कर रखा है तो आप वो भी कर सकते हैं, छोटे बच्चों को करा सकते हैं। तो गाइस देखिए 100 रुपये कैमल राइडिंग है, एक चक्कर लगेंगे पूरे जो ग्राउंड का है जहाँ पर झूले लगे हुए उस तरफ, तो आप यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को लेकर आइए, बच्चों के मतलब के लिए बहुत अच्छे झूले हैं और क्राउड बहुत अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि आज सैटरडे है तो सैटरडे के दिन मैं यहाँ आया हूँ शाम के टाइम, तो सैटरडे और संडे यहाँ क्राउड अच्छा रहेगा, आप देख सकती हैं। देखिए गाइस ये बुल राइडिंग बच्चे कर रहे हैं, अभी देखिएगा कितना इंजॉय होता है इसमें बच्चे कर रहे हैं, देखिए देखिए गाइस, देखिए गाइस कितना लगा, देखिए 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 गेट डाउन। गाइस यहाँ पे आप लोकल के मज़े भी ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे शुगर केन का जूस मिल रहा है, और देखिए बच्चों के लिए छोटा कोलंबस भी बनाया हुआ है, यहाँ पे सॉफ्ट आइस वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, देखिए सॉफ्ट आइस का भी यहाँ स्टोर लगा हुआ है,
अब थोड़ा थोड़ा पानी भर गया क्योंकि आज बारिश हुई दिन में अच्छी खासी, तो उससे थोड़ा पानी भर गया। देखिए यहाँ पे सॉफ्ट वाइज आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे खाने के स्टॉल लगे हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको गेम स्टार्ट हो जाएंगी। एक ऑक से इनके ऊपर माइस बॉक्स की डिब्बी रखी होती हैं, ये आपको गिराना है और इसके प्राइस है। गाइस देखिए रिंग गेम है, कितने की भैया? 100 के 10 आपको मिलेंगे गाइस, देख सकते हैं आप यहाँ पर आके। रिंग गेम है, इधर सामने टॉयज हैं, आपको पर्स की शॉप मिल जाएंगी देखने को। यहाँ पे टॉयज दिख जाएंगे, देखिए देखिए गाइस यहाँ पे जो बॉल गेम होती है, बॉल गेम देख सकते हैं आप किस हिसाब से बॉल गेम है, ये प्राइस में वही होती है। देखिए यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, चाउमीन वगैरह आप यहाँ ले सकते हैं। देखिए चुस्की वगैरह का मंजवा ले सकते हैं यहाँ पे कुछ हाइट में। देखिए सॉफ्ट कॉर्न जो है आपको दिखाया था, ये एंट्री से पहले जहाँ से हमने एंट्री की थी वहीं हम वापस आ गए हैं। अब गाइस थोड़ा सा अब हम आपको अंदर जाके दिखाएंगे। बच्चों के लिए खिलौने दिख जाएंगे, बच्चों के मतलब खिलौने बहुत ही आपको यूनिक आइटम देखने को मिलेगी। शॉप पे देखिए यहाँ पे नेम वगैरह हैं, एलिमेंट्स वगैरह हैं, आप देख सकते हैं। जैसे अभी ये मैचो की गैलरी आप ला सकते हैं, जैसे सामने देखिए, देखिए गाइस ये बस्ता है, इसके अंदर आप वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। तो वहाँ नाम से धीरे बस्ता लगा, देखिए गाइस यहाँ पे था चाट दोरम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर है, आप यहाँ से टोकन लेकर कूपन ले सकते हैं, और एक बार अगर आपने कूपन ले लिया तो वो रिफ़ंड नहीं होगा। यहाँ पे आप कुछ भी खा पी सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा मेन्यू एक बार यहाँ का दिखा देता हूँ क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी स्पेशल आइटम मिलेंगी, देख सकते हैं आप स्क्रीन को, आप होल्ड करके आप यहाँ से मेन्यू चेक कर सकते हैं, जो भी है आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको काउंटर मिलेगा, यहाँ से आपको पेमेंट करनी है, कैश कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। यहाँ से 500 के सामने अंदर है। अब अंदर एक बार एंट्री करते हैं, दिखाते हैं यहाँ पे खाने के से बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत अच्छा बनाया हुआ। देखिए गाइस ये कचौड़ी सब्जी गोलगप्पे यहाँ से एंट्री है, और पूरा ये जो है ये पूरा एसी वाला है, तो आप यहाँ पर आके इन्जॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छा बना हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर आप इजीली खा सकते हैं, बड़ा वीआईपी सा कुछ फील आ रहा है यहाँ पर आके, क्योंकि अच्छा है यहाँ पे, खाना भी अच्छा है। और देख सकते हैं आप चाट पराठा वगैरह, फ्रूट सैलड आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, देख सकते हैं। यहाँ पे पाव भाजी वगैरह, काठी कबाब रोल है, रुमाली रोटी है, आपको मटर विद कुलचा आपको मिल जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम यहाँ पे आपको लखनऊ मथुरा टिक्की मिल जाएगी, मटर टिक्की आपको जो मिल जाएगी, आलू टिक्की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। गाइस देख सकते हैं गाइस यहाँ पे नंद के भटूरे आपको मिल जाएंगे, 200-250 रुपए की प्लेट है। और देख सकते हैं आप कॉम्बो मिल्स भी हैं यहाँ पर, आप कॉम्बो मिल्स कुछ भी ले सकते हैं। गाइस यहाँ पे कॉम्बो मिल्स है, आप आ सकते हैं, पूरा प्लेट सिस्टम है। अमृतसरी छोले विद कुलचे के साथ प्लेट है, कूलर पालक छोले चावल हैं, जम्मू के राजमा चावल हैं, देखिए 250 रुपये प्लेट, कितना अच्छा सेटअप चल रहा है। स्पेशल थाली भी आपको यहाँ मिल जाएगी, 450 रुपीज़ की स्पेशल थाली है अमृतसरी कुलचे के साथ। स्पेशल थाली में क्या होता है भैया? दाल मखनी है। अच्छा, दाल मखनी, शाही पनीर, सब चीज़ें मिक्स करके मिलेगा इसमें। अच्छा, ये टोटल आपको 450 में अच्छा लच्छा नान साथ में मिलेगा। देखिए गाइस 450 में यहाँ पे स्पेशल थाली मिलेगी आपको, जिसके अंदर सारी वैरायटी आपको मिलेगी, दाल पनीर लच्छा नान छोले, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। देखते हैं बड़ा अच्छा सेटअप तैयार कर रखा है यहाँ पे खाने पीने के लिए, और देखो एसी यहाँ पे लग रखा है, आपको कुछ गर्मी फील नहीं होती। अगर आप एक बार पूरा मेला घूम के थक भी जाते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए पाव भाजी का स्टॉल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे बर्गर है, पाव भाजी है, वड़ा पाव है, जो सारी डिश होती हैं आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, भेलपूरी वगैरह भी है। और बहुत ही अच्छा कैटरिंग का सिस्टम जिनको दे रखा है यहाँ पे, बहुत अच्छा कर रखा है, आप देख सकते हैं। और देखिए पूरी थीम पे बना रखा है ये हैप्पी ओनम जो थीम दे रखी है, और पूरा का पूरा बहुत बढ़िया। यहाँ पे मीठे के लिए भी देखिए, मीठे के लिए भी कितना बढ़िया दे रखा है, केसर जलेबी रबड़ी है 200 रुपये, जोधपुरी घेवर है 100 रुपये आपको मिलेगा पर पीस। देखिए कैसे छोटे छोटे पीस बना के इन्होंने तैयार कर रखे हैं। देखिए यहाँ पर रबड़ी मलाई के साथ है, और देखिए यहाँ पर कुल्फ़ी फलूदा आपको मिलेगा, ये आपके सामने प्राइस लिस्ट है आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कुल्फ़ी की वैरायटी है, जामुन कुल्फ़ी, पान कुल्फ़ी, गुलाब कुल्फ़ी, आप स्क्रीन को स्टॉप करके देख सकते हैं क्या वैरायटी है फलूदा। और देखिए यहाँ से ये अंदर जैसे ही एंटर करते हैं तो सबसे पहले पिज़्ज़ा का सेक्शन है, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने पूरा बना रखा है, बहुत अच्छा देखने में लग रहा है। आप देखेंगे, आएंगे, आप फील करेंगे तब आपको मज़ा आएगा। पूरा यहाँ पर एसी का पूरा सेटअप है, देख थीम दे रखी है। यहाँ पे डोसा का साउथ इंडियन कॉर्नर आपको देखने को मिल जाएगा, ये ओनम के नाम से है, हैप्पी ओनम साउथ इंडियन कॉर्नर, पूरा आपको यहाँ देखने को मिलेगा।
आप यहाँ पे कोई भी वैरायटी का खाना खा सकते हैं। नॉर्थ इंडियन खाना चाहो नॉर्थ इंडियन, आप साउथ इंडियन खाना चाहो साउथ इंडियन। ये यहाँ जोड़ा घर है, देख सकते हैं, अंदर चलते हैं। कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत लंबी लाइन लगी है, एंट्री से ही पूरी लाइन लगी हुई है। तो मैं आपको आगे जाके दर्शन कराऊंगा, आप बने रहिए। गणपति जी के आप वीडियो में देखा होगा आपने, बहुत ही पास से हमारे को दर्शन हुए। बहुत ही अच्छी प्रतिमा बाबा की यहाँ पे गणपति बाबा की रखी हुई है। जो विसर्जन करेंगे तो बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन अब क्या करें, जो विधि का विधान है वो करना पड़ता है। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा मेला आप मेरे पीछे देख सकते हैं। देखिए गाइस आप यहाँ आ सकते हैं, लोकेशन मैं आपको बता दूंगा, मैंने आपको शुरू में भी बताई है, मैं दोबारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो गाइस ये थी आज की वीडियो, तो बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। गाइस सब्सक्राइब नहीं करते हो, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि और मोटिवेशन थोड़ा बने आगे ऐसी ऐसी वीडियो लाने के लिए। जब टाइम मिलता है मैं आपके सामने कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ नया। तो गाइस ये पीथमपुरा में मेला लगा हुआ है, 2 अक्टूबर तक यहाँ झूले लगे रहेंगे, गणेश विसर्जन पहले हो जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ आइए और जितना मज़ा ले सकते हैं आप मज़े लीजिए। 5 बजे स्टार्ट हो जाता है ये मेला, 5 बजे से लेकर रात के 11:30-12 बजे तक ये मेला लगा रहता है। यहाँ पे खाने के लिए बहुत कुछ है, बाकी सब चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करना ना भूलना। तब तक आज मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय गाइस।